क्योंकि कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थककर रोया नहीं करते, रखते हैं जो दिलों में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं ईशा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा की वार्ता न्यूज। राजस्थान बोर्ड 12वीं कला वर्ग का रिजल्ट आ चुका है और आज हम 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाली रानू से बात करते हैं। रानू कौर एक गरीब परिवार से आती है जिसने अपनी कड़ी मेहनत से 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने परिवार और स्कूल का मान बढ़ाया है। रानू के पिता नितनेम सिंह मजदूरी कर अपने 5 बच्चों और माता पिता की देखभाल कर रहे हैं। रानू ने बताया कि उसने अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल से पास की है, जिसमें कक्षा पहली से 10वीं तक राजकीय माध्यमिक विद्यालय हथरोई से पास की और इसके बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई घर से 3 किलोमीटर पैदल चलकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणपति नगर से पास की है। रानू का कहना है कि जब अपने आस पड़ोस के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में आते जाते देखती है तो उसकी भी इच्छा प्रबल होती है कि उसे कब ऐसे संस्थान में पढ़ाई का मौका मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वह सब बातें उसके घर के हालातों के कारण पूरी न हो सकी और अपने बाकी भाई बहनों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसीलिए वह कभी अच्छे स्कूल में जाने की जिद ही नहीं की। जब रानू से पूछा गया कि पढ़ाई के बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या बनना चाहती है तो उसने झट से जवाब दिया, टीचर। उसने बताया कि मेरे स्कूल में मैं अक्सर मेरे टीचर को जब पढ़ाते देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जिस तरह वह अपना ज्ञान देकर बच्चों का भविष्य निखार रहे हैं, उसी तरह मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद शिक्षिका बनना चाहूंगी। पहले तो रानू आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 12वीं बोर्ड की क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रथम स्थान प्राप्त। आप अपनी पढ़ाई का श्रेय किसे देती हैं? मैं अपनी पढ़ाई का श्रेय अपने माता पिता एवं अध्यापकों को देना चाहती हूँ। आप पढ़ाई के अलावा क्या क्या शौक रखती हैं? मैं पढ़ाई के अलावा ड्राइविंग, डांस एंड ड्राइंग का शौक रखती हूँ। आप अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या बनना चाहती हैं? मैं पढ़ाई करने के बाद पूरा टीचर बनना चाहती हूँ। स्कूल की बातें शेयर करते हुए रानू ने बताया कि इस साल 12वीं में हम 56 बच्चे थे, जिन्हें स्कूल की अध्यापिका ने ताना देते हुए कहा कि इस क्लास के बच्चे सबसे शरारती हैं और कोई भी पास होने वाला नहीं। यह बात मेरे दिमाग में जा बैठी कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी और मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगी। इसी बात से सबक लेते हुए मैंने पढ़ाई में खूब मन लगाया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। पढ़ाई के साथ साथ रानू को लोगों की मदद करना भी अच्छा लगता है। हाल ही में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में समर्थ हेल्पलाइन से जुड़कर लगातार अपनी सेवाएं दे रही है। जयपुर में कच्ची बस्तियों, रेलवे स्टेशन, गरीब परिवारों और मजदूर वर्ग के लिए पानी, खाना, सैनिटरी पैड, मास्क आदि की व्यवस्थाओं के लिए समय दे रही है, जो निरंतर आज भी जारी है। रानू ने बताया कि वह पेंटिंग, डांस, गाना और ड्राइविंग का भी शौक रखती है। रानू के 12वीं तक की पढ़ाई के लिए परिवार ने पूरा सहयोग दिया है। परिवार का मानना है कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी अच्छे अंकों से पास होते हैं। रानू ने अपने परिवार और अध्यापकों का धन्यवाद किया।